घर से निकल रहे हैं एंड यहाँ से ओनी भाई के पास जाएंगे, फिर राहुल भाई के पास, उसके बाद देखेंगे अमीरों का सैलून और गरीबों का सैलून। चलिए अब निकलते हैं एंड बाकी बातें रास्ते में होगी। यहाँ से सीधा रोनी रॉय के पास, उसके बाद राहुल के पास, उसके बाद अपना डेस्टिनेशन। हमारे साथ रोनी रॉय आ चुके हैं। किधर है भाई? यो गाइस, यो हम लोग जा रहे हैं स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए। स्टे ट्यून, बने रहे चैनल पे। एंड इससे पहले राहुल से मुलाकात होगी, उसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट होगा। यस ओके। यो गाइस, हम लोग वेट कर रहे हैं राहुल का एंड प्रभातम में खड़ा है, धनबाद का सबसे बड़ा मॉल। एंड यहाँ से हम लोग सीधा जाने वाले हैं गरीबों का सैलून। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ मिडिल क्लास लोग अपना हेयर कट करवाते हैं, बियर्ड बनवाते हैं, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। फिर उसके बाद एक्सपोज करेंगे क्या कि किस तरह एक हाई क्लास सैलून में जाते हैं, वहाँ का क्या प्राइस होता है अकॉर्डिंग टू मिडिल क्लास फैमिली। सही बात है। राहुल आ चुका है हवाई चप्पल पे, गरीबों का हवाई चप्पल। राहुल भाई आ गया है, अभी भी गरीबों का चप्पल पहन के गरीबों का सैलून जाने के लिए रेडी है। हाथ में महंगा घड़ी, फास्ट ट्रैक का 150 का घड़ी। अच्छा। इतना बड़ा झूठ, जींस, बाप रे बाप। गरीब का सैलून में जाकर दाढ़ी कटवाना है बस, अभी तुरंत चलते हैं। हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं एंड गरीबों का सैलून। एंड हमारी मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी है एंड आप राहुल जी भी यहाँ खड़े हैं। राहुल जी, देश की आधी से अधिक आबादी गरीबों की, इसलिए हम गरीब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग गरीब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब सैलून में जो है अपना बियर्ड बनाऊंगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सैलून, एंड अच्छे से रोटेट करके आपको दिखाते हैं। एंड राहुल जी यहाँ पे बैठने वाले हैं और रिप्रेजेंट करेगा गरीबों को। चलो, हाय, ये है रानी बांध आपका एंड आपको सलून दिखाते हैं। एग्जैक्टली ये सलून है आपका। आम आदमी होता है आम आदमी का सलून में और प्रोफेशनल सलून में आपको यहाँ पे आपको पता चलेगा। एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे प्रोफेशनल सलून के पास जाएंगे और उसके बाद बताएंगे क्या डिफरेंस है प्रोफेशनल और आम आदमी का सलून में। आम आदमी का सलून हमेशा जुगाड़ू होता है, हर काम जुगाड़ू। देखिए बैठने का जुगाड़ क्या है, कितने अच्छे तरीके से सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया। क्या रोने भाई, फुल्ली एयर कंडीशन है, एकदम हवा आता है और जाता है, पूरा पारदर्शिता के साथ, पूरा पारदर्शी आम आदमी सलून। भैया, आपका नाम क्या हुआ? योगेश ठाकुर। एंड यहाँ देखिए राहुल जी आम आदमी सलून में बैठ चुके हैं एंड राहुल का मुंडे झुक चुका है और पूरा मोच पे मसाज हो रहा राहुल का। एंड इससे फीडबैक लेंगे कि इसको कटा के कैसा लगा। कटा के भाई, दाढ़ी कटा के। हाँ भाई, दाढ़ी कटा के, हम दूसरा चीज नहीं कटाने के बाद बोल रहे हैं। छू मत तो। देखिए शुरू हो गया भैया। रोज आते हैं यहाँ पे। ये आपका मतलब हमेशा का सैलून है? कैसा सर्विस इनका? कैसा है? सर्विस कैमोना अच्छे है। आप बताइए सर्विस यहाँ का कैसा है? ठीक है, चलिए भैया। तो राहुल का हो चुका है। भैया रेट क्या है भैया, यहाँ का रेट क्या क्या है? बाल कटिंग का, दाढ़ी कटिंग का, और दाढ़ी का हो गया 20 रुपया, मसाज का हो गया 60 रुपया, और फेस वॉश, ये फेशियल या फेस पाउडर जो लगाते क्या? नॉर्मल, ज्यादा हम नहीं, 100 रुपया में सारा हो जाता है। देखिए यहाँ पे मतलब 100 रुपया में आप सब कुछ कटा सकते हैं। राहुल कैसा लगा कटा के भाई? भैया नहीं, एक सेकंड
गाली मत दीजिए, गाली इनको नहीं, उन्हीं को वीडियो हो रहा है जो सब देखेगा, आपका गाली सुनेगा क्या? आपको गाली थोड़े, सास को गाली दे रहे हैं, माई को गाली दे रहे हैं। काहे भी है, काहे गरिया रहा आपको? माई छोड़ देंगे अभी। ओहो राहुल, बहुत बढ़िया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा था। चलिए, आप टैलेंट है, यहाँ टैलेंट है, यहाँ से आप निकलने वाले, हम लोग आप प्रोफेशनल सैलून पास जाएंगे। एंड ये रानी बांध का व्यू है, एक नंबर। राजा कहाँ गया यार? राजा कहीं मर गया भाई, रानी भी मर गई, अब बचा कुछ नहीं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है भैया, थैंक यू। लोग आ गए हैं यहाँ जावेद हबीब के पास, आप पीछे देख सकते हो जावेद हबीब का सैलून है। एंड ये आपका सिटी सेंटर से एक डेढ़ किलोमीटर आगे होगा, इधर से एक डेढ़ किलोमीटर आगे होगा, इधर से कौन सा क्लिनिक? तनमन क्लिनिक के पास। ये अपना जावेद हबीब, अब इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं, देखते हैं यहाँ का रेट क्या क्या है। एंड अंतर आपको पता चलेगा आम आदमी सैलून और प्रोफेशनल सैलून में, और बहुत मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे हम लोग अंदर जाएंगे इसके, एंड पता करेंगे क्या है सैलून का रेट क्या है, कैसा कटिंग है, उससे उसके कंपैरिजन में अच्छा है या नहीं है। चलिए मिलते हैं अब इसके अंदर, सैलून के अंदर, जावेद हबीब सैलून एंड अकेडमी। हम लोग लिफ्ट में चढ़ रहे हैं एक फ्लोर के लिए, फिर पैसा वसूली देखिए पता आदमी जगह ले लिया। एंड हम लोग जावेद हबीब आ चुके हैं, एच का टाइटल है, अब हम लोग एंट्री लेंगे इसमें। बोल भाई, राहुल प्रखुश एंड राहुल बैठ चुके हैं। बोल रहे भाई, कैसा लग रहा है आके? राहुल कहीं भी आएगा ना, कनेक्शन है। अबे बूढ़ा इंसान क्या कर रहा है भाई? डबल मर्डर रांची में भाई, बहन की हथौड़े से पीट कर हत्या। अरे बाप रे, करता निशान बैठ चुका है जावेद। अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल अच्छा लग रहा है ना? वहाँ के कंपैरिजन में प्राइस अभी तो नहीं बता पाएंगे, मगर कुछ देर के बाद उनको एहसास हो जाएगा कि कौन ज़्यादा बढ़िया है। बस स्टे ट्यून, वीडियो के साथ बने रहना। तो अभी विक्रांत का स्टार्टिंग हो चुका है, पहले उसका फेस से पूरा पसीना हटाया गया, रिमूव किया गया, पता क्या प्रोफेशनल बैठे। इधर है भैया जो कि उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कि उधर गए ट्रीटमेंट, मेरे किडनी ना निकाल ले भाई। सारा इक्विपमेंट जो एक हॉस्पिटल में रहता है, सेम हॉस्पिटल इक्विपमेंट सकते। यहाँ लिखा हुआ H2O, एकदम ब्रांड के साथ H2O का गैस, आई मीन वाटर। फाइनली कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुका है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहो तो आ सकते हो, विजिट जावेद हबीब सैलून। चला जाए, पेमेंट किया जाए। हाँ, पेमेंट किया जाए। देख सकते हो मेरा बियर्ड कट हो चुका है, एंड हम आ चुके हैं सैलून से बाहर, एंड आपको रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा था,
मगर मुझे वैसा खास नहीं लगा। मगर जब भी मैं कहीं और कटाया हूँ तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे काट देता था, मतलब लगभग थोड़ा छिल जाता था, मगर यहाँ पे एक जरा सा छिला रहा। बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया। 150 रुपया इन्होंने लिया, मगर 150 रुपया लाइक काम किया। मैं आपको इसका बिल भी दिखाता हूँ, इन्होंने 150 लिया और हेयर कटिंग का 300 है। एंड मुझे बहुत बढ़िया लगा कटा के, एंड बहुत मज़ा आया। अदर सैलून के कंपैरिजन में अच्छा काटा। जो 150 रुपया इन्होंने लिया वो जेन्युइन रेट था। आप देखो यहाँ 150 का है, थोड़ा आपको मिरर टाइप उल्टा दिख रहा हुआ, ये मेरे हाथ में बिल। एंड ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। आम आदमी का सैलून अपने जगह पे अच्छा है, प्रोफेशनल का सैलून अपने जगह अच्छा है। हम दोनों को कंपैरिजन में यही बोलते हैं कि अगर आपके पास बजट है तो जरूर जावेद हबीब आए और बड़े बड़े सैलून जाए, मगर आपके पास बजट कम है तो आप बाहर जा सकते हो, बाहर कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे हर चीज़ों का, छोटे से छोटी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखा जाता है, जो कि बाहर में नहीं रखा जाता है। थैंक यू। तो देन गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर। एक इधर इस तरह विक्रांत, जावेद हबीब, जावेद हबीब मतलब प्रोफेसर सैलून, और इधर है राहुल अभिव्यक्ति जो कि देसी सैलून, 30 रुपये मात्र, 30 रुपये। क्या कंपेयर है बताइए राहुल। इधर विक्रांत अपना फीडबैक देते हुए। मेरा फीडबैक यही रहेगा कि राहुल भी, राहुल का जो सैलून था वो भी मुझे बढ़िया लगा। हाँ, जो आज मैं अभी मैं सैलून में गया वो भी बढ़िया था। दोनों के कंपैरिजन में मैं यही बोलूँगा कि दोनों अपनी जगह पर बेस्ट है। अगर आपके पास पॉकेट में, पॉकेट आपका अलाउ करता है तो आप महंगे सैलून में जाओ, अगर पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो आम आदमी का सैलून में जाओ, कोई इशू नहीं है उसमें, दोनों बढ़िया है। एंड मगर यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। मेरा, मैं जैसे जैसे बोला यहाँ पे मेरा हमेशा बाहर में जब मैं कटाता था तो ये हल्का छिल जाता था, मगर यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा और ये कट भी नहीं दिया मेरा, क्योंकि मेरा जो बियर्ड है बहुत हार्ड है। राहुल जी आपको बोलना चाहिए। मेरा तो लोकल में हम जाते हैं हमेशा, हाँ। मेरा कभी कटता उड़ता नहीं है, पर्सनल भाई हम पर्सनल नहीं जाते हैं, मगर इस बार पर्सनल आप लोग व्यूअर्स को कि दिखाने का कि क्या डिफरेंस होता है। मेरा लोकल पर्सनल बंदा है, जब आता है फोन करता है कि राहुल ये आ गए आइए हेयर कट करने के लिए, और जाते हैं आराम से बैठ के हेयर कट करवाते हैं। ठीक है, ये कहावत है जब जैसा तब वैसा, पैसा हो तो आइए करवाइए, कटवाइए हेयर जो करना है, मसाज बॉडी मसाज एवरीथिंग। वीडियो खत्म होता है एंड दोनों का कंपैरिजन आपको देख गया कि कौन बढ़िया है। एंड यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।